सब्सक्राइब कीजिए कूल टेक चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हाय दोस्तों, कूल टेक में आप सभी लोगों का स्वागत है। गाइस, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि पेटीएम ने जो अपना पेमेंट्स बैंक है वो लॉन्च कर दिया है और बहुत सारे लोगों ने पेटीएम के पेमेंट्स बैंक में अपना अकाउंट खोलकर उसमें पैसे भी जमा कर दिए हैं। लेकिन रुके, पेटीएम के पेमेंट्स बैंक में पैसे ऐड करने के बाद ना ही आप उन पैसों से कोई ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ना ही मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, ना ही बिल भर सकते हो वगैरह। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का पैसा वापस से पेटीएम वॉलेट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो अगर आप ये जानना चाहते हो तो इस वीडियो को आज बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा एंड तक देखते रहिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का पैसा वापस से पेटीएम वॉलेट में ट्रांसफर करना है तो सिंपली आपको पेटीएम ऐप खोल लेना है। पेटीएम ऐप खोलने के बाद यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है। बैंक अकाउंट पर क्लिक करने के बाद जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो मेरा वॉलेट बैलेंस है वो है 400 रुपए और मेरा जो सेविंग अकाउंट यानी कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक का जो पैसा है वो मेरा है 100 रुपए। तो मेरे को सेविंग अकाउंट का बैलेंस वॉलेट बैलेंस में ट्रांसफर करना है और सिंपली मैं नीचे व्यू एंड मैनेज कार्ड पर क्लिक करूंगा, व्यू डिटेल्स पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर मेरे को अपना पासकोड डाल देना है जब मैं अपना पेटीएम अकाउंट बना रहा था, जब आप पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट अपना खोल रहे थे जो आपने पासकोड डाला था वो सिंपली यहाँ पर एंटर कर देना है। तो मैं फटाफट से एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, ये जो कार्ड नंबर आ रहा है, एक्सपायरी डेट आ रही है, सीवीवी नंबर आ रहा है वो आपको नोट कर लेना है, किसी पेपर या कॉपी पे नोट कर लेना। नोट करने के बाद सिंपली आपको बैक जाना है वापस से बैक जाने के बाद यहाँ पर आपको ऐड मनी पर क्लिक करना है। ऐड मनी पर क्लिक करने के बाद जैसे कि मेरे पेटीएम पेमेंट्स बैंक में पड़ा था 100 रुपये, तो मैं चाहूँ तो पूरे 100 भी ट्रांसफर कर सकता हूँ और मैं चाहूँ तो 20, 10 कुछ भी ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो मैं पूरे 100 के 100 ट्रांसफर करना चाहता हूँ तो पूरे 100 के 100 एंटर कर देता हूँ और ऐड मनी पर क्लिक कर देता हूँ। ऐड मनी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कार्ड नंबर जो मैंने आपको नोट करने के लिए बोला था वो यहाँ पर आपको कार्ड नंबर को एंटर कर देना है। तो मैं फटाफट से सारी डिटेल्स अपनी भर देता हूँ। अपने सारी डिटेल्स को फिल करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली पे नाउ पर क्लिक करना है। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा टाइम लेगा, लोड हो रहा है तो मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा पूरा पेज है वो लोड हो चुका है। यहाँ पर मेरे को सिंपली यहाँ पर जो मेरा फोन है, फोन नंबर है जो पेटीएम वॉलेट से नंबर रजिस्टर है, उस पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी जो डालने के बाद मेरे को नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक का पैसा है वो वापस से आपके पेटीएम वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज 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 यार एक लाइक करके जरूर जाना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज यार जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको डेली ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट और ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।